नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कृष्णा, एसोसिएट कंसल्टेंट एंडोक्रीन एंड ब्रेस्ट सर्जरी, मेदांता, लखनऊ। आज मैं आप लोगों को हेरिडिटरी एंड फैमिलियर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। हमारे पास कई मरीज आते हैं जो कि ये पूछते हैं कि सर, हमारे परिवार में हमारी माता जी को या दादी को या नानी को किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो हमें ब्रेस्ट कैंसर होने का कितना रिस्क है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ये दो तरह का होता है जेनेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है स्पोरैडिक, एक होता है हेरिडिटरी। जो स्पोरैडिक ब्रेस्ट कैंसर होता है वो अराउंड 90% जो कि मोस्ट कॉमन होता है, परिवार में कभी किसी को नहीं हुआ है, पहली बार हुआ हो। हेरिडिटरी 10% के आसपास होता है, जिसमें कि अगर परिवार में किसी के माताजी, नानी, दादी या इस तरफ किसी को स्तन कैंसर हुआ हो तो ये हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर में आ सकता है। कन्फर्म कैसे करते हैं इसको? कन्फर्मेशन का सिर्फ एक ही उपाय है, जेनेटिक टेस्टिंग। तो जेनेटिक टेस्टिंग में जो मोस्ट कॉमन जीन्स होते हैं वो दो हैं। वैसे तो बहुत सारे जीन्स हैं, हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर ओवेरियन पैनल के नाम से होता है ये टेस्ट, बट जो मेजर कैंसर जीन्स जो पाया गया है जो दो होते हैं वो BRCA1 और BRCA2। तो नॉर्मल महिलाओं के बनस्पत अगर आप में ये जीन पॉजिटिव है तो 80-100% चांस ये होता है कि आपको स्तन का कैंसर आगे हो। अतः अगर किसी के भी परिवार में स्तन कैंसर किसी को हुआ हो तो हमारी ये आग्रह होती है उनसे कि वो खुद पहले जेनेटिक टेस्ट कराएं। अगर उनमें जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर सब्सिक्वेंट जनरेशन्स में ये टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि यदि यह जीन पॉजिटिव है तो स्तन कैंसर होने का रिस्क 80-100% होता है और ये एज के साथ बढ़ते जाता है। दूसरी बात ये कि अगर BRCA2 जीन पॉजिटिव होता है तो इसमें न सिर्फ फीमेल बल्कि मेल ब्रेस्ट कैंसर के होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि जो मेल ब्रेस्ट कैंसर होता है वो बहुत ही रेयर है, less than 1%, लेकिन यदि BRCA2 जीन पॉजिटिव है तो मेल ब्रेस्ट कैंसर होने का जो रिस्क है वो 5% से भी अधिक हो जाता है। अतः मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि यदि आपके परिवार में किसी को भी स्तन कैंसर का डायग्नोसिस बना है तो एक बार अपने स्तन कैंसर स्पेशलिस्ट से ज़रूर दिखाएं, उनसे बात करें, और जो जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है भारत में आज बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल है, ये पहले बहुत ही कॉस्टली हुआ करती थी, वो टेस्ट करवाएं। धन्यवाद।